बस ट्रेलर भिड़न, 12 लोग जिंदा चले। जोधपुर नेशनल हाईवे पर रोंग साइड से आया ट्रेलर बस से भिड़ा, दोनों वाहनों में लगी थी आग। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार को बस और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भांडियावास गांव में संस्कार स्कूल के पास हुई आमने सामने की टक्कर के बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। इसमें 12 लोग जिंदा जल गए। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। शुरुआत में 5 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन देखते ही देखते यह आंकड़ा बढ़ गया। 40 घायलों को पास के नाहटा राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 13 को जोधपुर रेफर कर दिया गया था। हादसा इतना बड़ा कि देखने वालों की रूह कांप गई। गया है सामने से ट्रेलर आ रहा था, इसमें बस वाले की गलती नहीं है, सामने आग भिड़ गया है, भिड़ते आग लग गई। आग लगने के बाद एकदम गाड़ी तो सीज हो गई, कोई सूर्य थे कोई बैठे थे, सामने आया शीशा फोड़ा। 1 घंटे से कम फोन लगाया पुलिस ने, सुना ही नहीं किया। सबसे पहले हम जिंदा जले, कम से कम 10-15 लोग जिंदे जले अंदर। सूचना के बाद पचबद्रा, बालोतरा और रिफाइनरी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 3 दमकलों ने आधे घंटे में दोनों वाहनों में लगी आग पर काबू पाया। बस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने बताया कि बालोतरा से जोधपुर जा रही बस में 35 से 40 सवारियां बैठी थी। हाईवे पर ट्रेलर गलत साइड से आकर बस के भिड़ गया। आग इतनी तेज थी कि आग बुझाने के लिए 3 दमकलों ने 2-2 फेरे किए।